आपको बताऊंगी कि घर पे कम सामग्री में बर्गर कैसे बनाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैंने चार पाव लिया है। टिक्की बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा प्याज कट किया है और पात गोभी कट किया है, हरे मिर्च, धनिया पत्ता और कुछ मसाले लिए हैं और सूजी लिए हैं। अब इसे हम मिक्स करते हैं। आलू में मैं अब प्याज डाल लेती हूँ, पात गोभी डाल लेती हूँ, हरा मिर्च, धनिया पत्ता, मसाले, जीरा पाउडर, नमक, लाल मिर्च, सूजी, इस सबको हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके टिक्की बना लेते हैं। देखिए मैं टिक्की तैयार कर रही हूँ। पैन मेरा गरम हो गया है, अब मैं टिक्की को तल लेती हूँ। देखिए एक तरफ का हो गया है। देखिए टिक्की मेरा तैयार है। मैंने सूजी डाला है, आप सूजी के जगह पर मैदा भी डाल सकते हैं। अब मैं बर्गर बन को कट कर लेती हूँ। अब मैं बर्गर बन को सेक लेती हूँ। देखिए अच्छे से सेक चुका है। सबसे पहले सॉस लगा लेते हैं, टिक्की, टमाटर, खीरा, प्याज, बड़ों के लिए बना रहे हैं तो हरा मिर्च रख दें, काली नमक। अब इसे बंद कर दें। हो गया तैयार बर्गर। तैयार है। अगर आपके पास स्टिक हो तो आप इसमें स्टिक लगा सकते हैं। देखिए मैंने टेस्ट किया, बहुत टेस्टी बना है, आप बनाकर जरूर खाएं। अब मैं बाकी बर्गर भी तैयार कर लेती हूँ। थैंक यू।